हेलो एवरीवन, यूपी बस ड्रेसर सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज हमारे पास है हीरो के एक्सट्रीम 125R और इसका हम मुकाबला करने वाले हैं, ड्रैग करने वाले हैं बजाज की पल्सर NS125 के साथ। एकदम लेटेस्ट बाइक से दोनों, ये तो अभी कुछ समय पहले लॉन्च हुई थी और ये कुछ समय पहले अपडेट हुई है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे फुल्ली LED लाइट, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और इन दोनों के प्राइस में सिर्फ 10,000 का अंतर आता है। लेकिन अगर हम लुक्स देखें तो दोनों बेहतरीन लुक्स के साथ आती है। नेकेड स्पोर्ट्स बाइक में देख सकते हो क्या लुक है। आपको कौन सी लुक वाइज पसंद है बताना ज़रूर। स्पेक्स पढ़ लिया हो गए, अब आज हम इन दोनों का एक परफॉर्मेंस चेक करने वाले हैं। दोनों में 10 kg का लमसम वेट का भी फर्क है। बेस्ट पार्ट इज दिस कि दोनों में आपको किक देखने को मिलता है। पावर एडवांटेज है लेकिन वेट एडवांटेज जिसके पास है। सो हम चलाएंगे पहले राउंड में एक्सट्रीम 125R और मनीष चलाएंगे NS125। फिर देखते हैं क्या रेस रिजल्ट आएगा दोस्तों। उम्मीद करेंगे वीडियो बढ़िया बने और आपकी पसंद की बने, और दोनों E20 मॉडल्स हैं जैसा कि बताया था। तो स्टार्ट करेंगे रेस और देखते हैं क्या रेस रिजल्ट आता है। तो आपको बुरा लग जाता है तुरंत भाई, पता है
ये मीटर मार रही है? नहीं बस ये 117 टच ये बहुत तेज लिमिटर मारती है पता है हमको भाई। अगर हम स्विफ्ट स्विमिंग नहीं करेंगे ना बहुत गैप बन ये नहीं दिखती तुम्हें कितने जद्दोजहद से स्टार्टिंग में पता है जब भी गियर फंस गया गियर इसका ही फंसा था लेकिन कितना जद्दोजहद करके निकले हम ये मार रही है धद 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 इसीलिए तो पीछे है और ये बहुत ज्यादा लिमिटर ले रही है इसके कंपैरिजन। साफ समझ में आ रहा था कि अगर हम स्विफ्ट स्विमिंग से जरा सा भी हटाते एक गैप बना लेती और अगर ये गैप बनाती ये लिमिटर खाती रहती नहीं पहुंच पाते। और जब तुमसे थोड़ा देर के लिए आगे भी गए नहीं पता है बहुत गैप बनाते हैं इसलिए मैं गंदा और मेरा फंस जाता एकदम फंसा इसका भी था इसका लिमिटर ले लिया था पूरा। तो अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे TF6 एक्सट्रीम 125 बार लिमिटर ले रही थी अपने टॉप एंड में और मनीष जैसे वो बताया कि लिमिटर नहीं ले रही कितना गई है वो कितना गई है 114-15 और 117 बस 113-14-15 पे ही थी। तो दोस्तों यहाँ पे आपने रेस रिजल्ट देख लिया कि किस तरीके से ये लिमिटर ले रही थी और रेस रिजल्ट जो थे दोस्तों वो काफ़ी मज़ेदार थे दोनों के बीच। राइडर्स चेंज करेंगे और डायरेक्शन भी चेंज करेंगे फिर देखते हैं क्या होता है एक छोटा सा अटेम्प्ट करके। तो हम लोग राइडर्स चेंज नहीं कर रहे हैं मनीष का नाम ही चलाएं और बस स्विफ्ट भी नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे आपने अटेम्प्ट देख लिया कि एक्सट्रीम 125 बार बिना स्लिप स्ट्रीमिंग के NS125 से नहीं आगे जा सकती है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। बट अगर हम एक्चुअल में आपको ऑन रोड प्राइस और स्पेक्स के बारे में बात करें तो दोनों गाड़ी में बेहतरीन मिलते हैं रिफाइनमेंट एक जैसा दोनों में मिलता है। राइडर्स एक्सचेंज नहीं हुए थे बट अगर होते भी तो भी आपने देखा कि गैप वैसे ही मेंटेन रहता। तो दोनों हमने चीज़ करके आपको बता दी स्लिप स्ट्रीमिंग बिना स्लिप स्ट्रीमिंग तो इसको मेहनत पड़ रही थी और प्लस इधर विंड ब्लास्ट भी था तो इसके पास पावर एडवांटेज था। सो उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो पसंद ज़रूर आया तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए देख लीजिए कि नया कंटेंट और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। टिल देन बाय लव यू ऑल बी सेफ एंड राइड सेफ।